हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार। इस ब्लॉग को वापस वहीं से शुरू करते हैं जहां पर पिछले ब्लॉग को ख़त्म किया गया था। तो ये है रंजू की दुनिया। क्या चैनल बनाई है मम्मी? तो ये मम्मी के चैनल पे वीडियो जाएगा। कोई चैनल नहीं है मेरा। मम्मी का चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज सचिन मनीषा आज से, उसी में एगो लास्ट में एंड मॉम जोड़ देना। तो आज ठीक है मम्मी, मत करो तुम कुछ काम, तुम सीधा बोल दो। सब सिखाए हैं इसीलिए क्या? छोड़ दो, इतना मेहनत से सब सिखाए पढ़ाए हैं। बहुत पढ़ा दे लबड़ा की पढ़ाई पूरा ना भाई। हो गया है पढ़ा के नहीं हाल पता। तो गाइस इसमें अटेंडेंस इतना मांग रहा है, 90% कहां से 90% करेगी बताइए? हॉस्टल में डाल दो, रहेगी? पूछिए ना, रहेगी पूछिएगा। हम तो बहुत पहले कहते कि हॉस्टल में नहीं जा रही थी, पूजा के हॉस्टल में रखे थे कि पढ़ लिख लिया है। मम्मी 90% सब भी नहीं होता, हम लोग कभी नहीं होता था, 75 होता था। अब 89 पर बहुत कॉलेज का नाटक हो जाता है, तो इसलिए भाई अब मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। बीएससी के परीक्षा देस हां इंटरमीडिएट और इंजीनियरिंग की फॉर लाइक अप का तब कोई इंटरमीडिएट। ठीक है चल रहा है, जिंदगी कट जाएगा, आधा जिंदगी कट गया, आधा कट गया। जुमा जुमा चार दिन का बनाना भी आधा कटल में। अब उम्र हो गया हम लोग का, हमारा बाल भी पक रहा है, मेरा 40-50 साल का हो गल बड़ा। अब मेरा बाल सही में पक रहा है, देख लीजिए। अपने तो बाल में मेहंदी उंदी लगा के टाइट रहती हैं, एक बार मेरा नहीं बोलती कि चलो रहते आपको बोलना चाहिए ना कि तुम्हारी मेहंदी लगा दे, बाल पक रहा है। नहीं कोई आके कर देता है, इतना गुस्सा आ रही है फिर भी चाय पी रही है। गुस्सा में कौन खाता पीता है, हम तो खाना पीना छोड़ देते हैं। काहे छोड़ेंगे, हम अपना हस्बैंड के कमाई खा रहे हैं, तुम लोग। अरे तो मनी हम अपना खुद का खाना। मनी बात बोल रहे हैं कि आप चाय तो पी रही है, गुस्सा में कौन खाता पीता खाता है। तो गाइस चलो, मम्मी अब गुस्सा हो रही है थोड़ा बहुत, अब शांत हो गई हैं। अब प्रिंस भी अभी काम पे लग गए हैं, देखिए फोकस किए हुए हैं आज। पकड़िए इसको। तो चलिए अब हम लोग रास्ता निकालेंगे, तो मम्मी वो सरकार हैं जो रास्ता निकाल देती हैं। क्या रास्ता? तुम जाओ यहाँ से बाबू, जाके कमाओ जगह। ये कहता है घर से निकालिए, खेती है वही तुमको बगा रहे हैं, जाओ यहाँ से। सोए रहेगा दिन भर 24 घंटा। लाडला बेटा तो नहीं है। अच्छा से जो रहेगा उसके लिए हमारा जान हाजिर है। ये माँ का प्यार है, एक बेलना चाहिए। चप्पल हम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तुम थोड़े चला रहा है। मम्मी चप्पल है, मार दीजिए। मम्मी लोग का बचपन का हथियार है चप्पल, बेलना, छनौटा। सोए वाला बड़ा लो नहीं, पहले हम लोग पिटाए हैं ना, पिटाए ना प्रिंस कंघी से पिटाए हैं लोग, याद करो। सबसे ज्यादा तू पिटाई लो, सबसे ज्यादा हम पिटा, इसलिए हम एकदम ट्रेंड है ना हमें। आखिर चप्पल की नौबत क्या पड़ी? हाँ प्रिंस, पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड फोन में है। तो मम्मी अभी गुस्से में भी चाय पीती हैं, कितना भी गुस्सा हो चाय नहीं छूटेगा, मैं छूटेगा नहीं साला। और यहाँ पे भी मम्मी इतना लोकल हो गया जग बाबा। मम्मी थोड़ा सा तो कोई गेम खेल रहा है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, एक दिन खेल लिया तो खेल लिया, क्या हो गया? संडे के खेल खेल रहा है वो, संडे को ही तो खेल रहा है। 12 बजे रात गया था, कल सैटरडे नाइट था, सैटरडे नाइट था, बस एक दिन खेला है तो उसने इतना बोल दिया। डालेंगे पब्लिक को दिखाएंगे, अब खेलेगा तो डाल दीजिएगा। ए तुम गेमिंग चैनल खोलो तो पहले, लिया जा अंबाला, अंबाला खाली बनू घर, ऊपर दे दिया है लोग, नीचे तू रही। अच्छा सेटअप पे ना, अच्छा वो जो के सेटअप पकाया डलवा उतर हो गेमिंग आई थी। चल वो वहीं पे सब कैमरा हमरा सेट करके अपना वीडियो वीडियो बनाया जाएगा हम लोग। क्या जा लेके जा, एक और घर बना दिया जाएगा वहां पे, घर नहीं एथी बना लिया जाएगा, पार्टी हॉल, मैरिज हॉल बना लिया। मैरिज हॉल, मैरिज हॉल वहां बहुत चलेगा ना मम्मी, वैसा अगर यहां रहता तो मस्त चलता। तो दोस्तों अभी मम्मी का मूड थोड़ा ठीक हो चुका है और इसी के साथ अब व्लॉग में आगे बढ़ेंगे, आप लोग बने रहिए। वो क्या है ना कि मम्मी को थोड़ा थोड़ा कभी 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 रुक रुक के गुस्सा आ जाता है, तो आना भी लाजमी है क्योंकि अक्सर हम लोग यही देखते हैं, ज़िंदगी एक उतार चढ़ाव का सीढ़ी है, ज़िंदगी इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, कभी हम खुश रहते हैं मम्मी गर्म रहती है, कभी मम्मी गर्म रहती है हम लोग दुख रहते हैं। तो मम्मी का चश्मा मैं लगाता हूँ एक बार, आप लोग बताइए कैसा। अरे मम्मी स्मार्ट लग रहा है, ए भाई नीचवा से नहीं दिख रहा है। हे मॉम,
मम्मी कितना पावर वाला पहन रही है यार, ये तो आंखों आपका खराब हो गया है। हटो ना, क्या दिख दिखा रहा है तुम हमको, परेशान मत करो। चश्मा में हम कैसा लग रहे हैं बताइएगा, देखो कैसा लग रहा है। कैसे लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं ना। एक इसमें का चश्मा हमको खरीद दीजिए। पापा बोलने जा रहे थे जाके खरीदना है खुद से, अब पहले पापा को बोल देते थे जब मम्मी के गोदी में से रहो तो पापा को बोल देते पापा ये खरीद दीजिएगा, अब पापा को नहीं बोलना पड़ता है। वाकई में मम्मी के चश्मे में बहुत पावर है, आप लोगों को अगर देखना है ना तो यहाँ से दिखाते हैं। देखो देखो कहाँ से, तो मम्मी कुछ कहना चाहती है और। चलो गाइस कोई बात नहीं है, मम्मी फाइनली अब मान चुकी हैं। मम्मी चलिए ना, सही में घर में बोर हो गए लोग, सुबह से शाम तक तो घर में बैठा कर रखी। चलो हम रोको तो नहीं, हम अपन काम कराओ तो तू जल अपन काम हो गया। आप शाम को अब चलिए थोड़ा चला जाए, तू जल अपन घूमो अयोध्या ही चला जाए। ना हमको टाइम नहीं है अयोध्या जी, नहीं पहले हम अपन घर बनाएंगे, हम घर के लिए आज सुबह रोए हैं। रोए हैं कितना घर बना रही है कि आप रोइयो रही हैं, हैं घर के लिए कह रही हैं। आखिर आज मम्मी क्यों रही, जानने के देखते जानने के लिए देखते रहिए, मम्मी घर के लिए क्यों रही हैं। पापा कितना दिन अभी काम चलेगा उसमें, दस दिन एक रूम में चलेगा, काम चल करना है। इतना फास्ट काम होता है ना गाइस, क्या बताया जाए। घर का बोल रहा है टाइम नहीं, प्लास्टर हो गया है, दीवार जोड़ा गया है, छत ढला गया है, वो खुल गया है, उसके बाद अभी दस दिन लगेगा। चलिए गाइस बस, तो चलो आप लोग बने रहो, बाकी अब आगे ब्लॉग में आप लोगों को मिलते हैं, मम्मी से आगे बात करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। हे गाइस गुड इवनिंग, अभी पता है क्या, पूरा कपड़ा फोल्ड किए हैं अलमारी में का निकाल के, और अभी ये सेकंड अलमारी को अच्छे से फिर से करना है, और ये वाला भी अलमारी को सारा कपड़ा निकाल के जो कपड़ा बार बार रिपीट कर लिया उसको अब फिर से रखना है। बाकी आप लोगों को दिखाते हैं ये वाला साड़ी जो है ना, बहुत सारे लोग इस साड़ी को लेके कमेंट कर रहे थे, दीदी ये साड़ी बहुत सुंदर है, एंड इसका कलर सच में बताऊँ तो मुझे भी कलर इसका बहुत प्यारा लगा, और इस पर ना सीक्वेंस का वर्क किया गया है, बट ये बिल्कुल चुभने वाला नहीं है। तो अभी ये वाला साड़ी ना मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा था जब हम पहने थे, तो मम्मी बोल रही थी इसका कलर सुंदर लग रहा है, एंड ये सुंदर लग रहा है साड़ी, तो हम बोले कि चलो। वैसे ये ब्लाउज भी बहुत ज़्यादा लूज हो रहा था, तभी मम्मी को ये वाला साड़ी दे देते हैं। अब हमको पहले लगता था कि यार पहनूंगा क्या, लेकिन अपनी फैमिली है तो मम्मी का जब मन करता है मेरे को तो हम पहन लेते हैं, या फिर हमारा साड़ी मम्मी पहनती तो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी मम्मी के पास इतना सारा साड़ी है। बाकी अभी मम्मी हैं उधर, बने रहिए आप लोग, चलते हैं और दिखाते हैं आज का। आज का दिन तो ऐसे ही चला गया, सोचा नहीं था आज का दिन ऐसा जाएगा, बहुत बोरिंग सा बीता आज का दिन, मन नहीं लग रहा था बिल्कुल, और ख़ास करके ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इसकी वजह से, तो अभी चलते हैं। हे गाइस तो अभी हैं किचन में, देखना पीछे, और अभी मेहंदी दिन में ही आया हुआ था पर वीडियो शूट करने के चक्कर में नहीं हो पाया, और वीडियो भी नहीं शूट हुआ, मेहंदी भी नहीं लगा पाया, पर अब जा रहे हैं हम मेहंदी लगाने अपने बाल में, और यहाँ पे मेहंदी में गाड़ रहे हैं नींबू, एलोवेरा तो नहीं नींबू गाड़ रहे हैं। एलोवेरा कहाँ से आया था पता है, पीछे से आया था, पीछे शायद उखाड़ दिए। अब चलते इसको पीस लेते रहने एलोवेरा, मेहंदी लगा देते हैं जल्दी से, इसको मिक्स कर देते हैं, और इसमें चाय पत्ती का वो भी कर लेते हैं थोड़ा सा, और अच्छा लगता है, बने रहिए आप लोग पीसते हैं। ये गाइस तो अभी आप लोग को दिखाते हैं अपना वार्डरोब यहाँ का, अभी देख सकते हैं यहाँ पे मस्त सारा कपड़ा ऐसे अरेंज कर दिए हैं, और अब देखते हैं रात का डिनर क्या बनेगा, बाकी आप मेरा फेस देख सकते हैं तक बनेगा तो इसका कोई अभी अनुमान नहीं है, बट इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।
ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं रहने देते हैं, छोटा सा रहने देते हैं। मम्मी को मैंने मना लिया था फाइनली, और मम्मी अब खुश हैं। बाकी घर का नक्शा वगैरह भी सब बनाया हुआ था, और पूरी ड्राइंग वगैरह करके पेन और पेपर पे सारा काम वहाँ पे किया। तो बस थैंक यू सो मच गाइस, इस व्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें ज़बरदस्त रहें। थैंक्स अगेन गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।